अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये देख सकते हैं, ये रियाद की सिटी है, ये हमारा मलाज एरिया है जहाँ पर हम लोग ने घर लिया है। तो ये पूरा मलाज एरिया ही आता है, काफ़ी अच्छा पॉश एरिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छा मिल गया, एरिया भी अच्छा है, सराउंडिंग अच्छी है। तो अभी तो वैसे भी जद्दा हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। जद्दा तो ऐसा लगता था जैसे कि हमारा, कह सकते हैं उसको ऐसी फीलिंग आती थी कि इट्स वाज आवर सेकेंड होम। पर यहाँ पे अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है, हो सकता है धीरे 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 आ जाए, पर अभी तो हम लोग जद्दा बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो रियाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी सिटी है, ये नहीं है, सब कुछ है, पर वहाँ एक अपनापन सा हो गया था। अभी हम लोग ने लास्ट 10 ईयर वहाँ स्पेंड किए हैं, तो वो मतलब हर चीज़ें पता थी कहाँ क्या मिलता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल था, पर यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं, और हर चीज़ें बहुत दूर दूर हैं। तो हम लोग वही जद्दा में 5 रियाल की शॉप्स होती हैं कि मीन से सारे सामान आपको 575 में मिल जाते हैं। हम लोग काफ़ी ढूंढते हुए, मैंने काफ़ी पूछा था ग्रुप्स में, तो पता चला था कि यहाँ पे एक शॉप है, काफ़ी दूर थी। एटलीस्ट हम लोग गए, पर सारी चीज़ें वहाँ पे 575 की नहीं थी, पर मीन्स कि आप कह सकते हैं 1 रियाल से लेकर के सारे आइटम 100-200 सारी रेंज में थे, और सारी चीज़ें वन शॉप में आपको हर चीज़ें मिल जाती, इस तरह से थी। अच्छी शॉप थी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी काम हम लोग का हो गया था, क्योंकि अभी घर नया नया सेटअप करना तो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें लगती हैं। तो हम लोग वही हुआ था कि इस तरह की कोई शॉप हो जहाँ पे एक जगह पे जाकर के आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ और रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये अपना कंट्री तो नहीं है कि आपने इस्तेमाल करना है और अच्छे से अच्छा सामान लेना है जो कि काफ़ी दिन तक रिलायबल हो, चले। यहाँ तो कुछ पता नहीं है कि 3-4 ईयर्स के बाद आपका फिर कहीं मूव करना हो जाए, छोड़ के जाना पड़े, तो इसलिए बहुत ही महंगी और बहुत ही अच्छी चीज़ें लेने का यहाँ कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि डोर मैट हम लोग को चाहिए था, और डोर के नीचे लगाने के लिए एक स्टॉपर टाइप का होता है जिससे कि साउंड भी नहीं आता है और ईयर डस्ट नहीं आती है, तो वो मुझे चाहिए था। और बाथरूम की कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को चाहिए थी। तो यही था कि यहाँ पे आएंगे तो मिल जाएगा। टेबल का कवर ख़राब हो गया था, उसको टेबल का कवर लेना था। ड्रेसिंग मेरी पूरी वाइट कलर की है, तो उस पर भी एक छोटा सा मैंने सोचा था कि टेबल कवर छोटा सा ले करके थिन वाला जो होता है उसको मैं बिछा देती हूँ, ताकि कभी कोई चीज़ गिरे तो उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, क्योंकि वाइट कलर है, वाइट कलर बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, तो थोड़ा उनको आपको ख्याल भी करना पड़ता है। और उसके साइड टेबल्स पे भी ग्लासेस लगे हुए हैं जिसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये डोर मैट मुझे चाहिए थी बाथरूम के सामने रखने की, अभी मुझे मस्ट है, और मेन डोर के सामने तो अभी चल जा रहा है। तो यहाँ पे इतनी महंगी डोर मैट्स थी, 26-27 एक जाके हम लोग को मिली, जो कि आपको बाथरूम के सामने रखना है कि एटलीस्ट स्लीपर जो भी हो वो उस पर ही उसको रिमूव करें। तो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की तो नहीं चाहिए कि बहुत ही डिज़ाइनर हो। तो ये एट लास्ट 5 रियाल 75 हलाला की मिली, और ये इस तरह की तो जो होती हैं वो तो बेडरूम में रखने के लिए होती हैं, पर ये सब की प्राइजेस 50 रियाल 60 रियाल, इतनी रेंज में तो आपको छोटी सी अच्छी सी कारपेट मिल जाएगी ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो। इतनी मुझे हाई फाई नहीं चाहिए थी, मुझे बाथरूम के डोर के सामने रखने के लिए चाहिए थी, तो एक बेसिक सी चाहिए थी। तो हम लोग ने फाइनली ग्रीन वाला ही सिलेक्ट किया था, वो अच्छी क्वालिटी की थी, हैवी थी, और बाथरूम के सामने वो रफली यूज़ करने के लिए बेस्ट है, और उसकी प्राइस भी बेस्ट है, तो हम लोग ने उसको लिया फटाफट। इसके लिए पर काफ़ी हम लोग को घूमना पड़ा था पूरे शॉप्स में। एक तो सारे वहाँ पे अभी नेपाली वर्क कर रहे हैं जो कि नए हैं, और उनको कुछ भी पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। काफ़ी बार पूछते पूछते हम लोग फिर हुआ कि अप स्टेयर आपको वहाँ जा कर के मिलेगी, तो वहाँ जाके फाइनली हमें मिली। और थोड़ी मुझे चाहिए थी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैंने ढूंढ ढूंढ के फटाफट ली। अच्छी शॉप्स थी, ख़राब नहीं थी, आपको काफ़ी ज़रूरत के सामान यहाँ पे मिल जा रहे थे। हमारे यहाँ जद्दा में फ्यूचर मॉल है, उसी तरह उसी का भाई बहन इसे कह सकते हैं, यहाँ पे कपड़े भी हैं, सब कुछ है। और कपड़े भी मीन्स की जो वहाँ पे जो प्राइस थी फ्यूचर मॉल में, तो वही सेम प्राइस थी, इसलिए मैंने चेक भी किया कि जो हम लोगों ने वहाँ से लिया था कुछ चीज़ें तो वही प्राइस रेंज में यहाँ पे भी है, तो क्या तो वो सेम प्राइस पे थी, तो इससे भी अंदाज़ लग जाता है कि इनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और
बहुत टेबल पे रखने के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रे चाहिए थी, तो वो भी मुझे 5 रियाल में मिल गई। और बहुत सी चीज़ें थी, इनके बच्चों के जब आए हुए थे तो बर्थडे की डेकोरेशन, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तुमान की बर्थडे आ रही है, तो उसको भी मैंने ले लिया कि काफ़ी दूर है तो आप बार बार यहाँ नहीं आ सकते। टिशू पेपर्स ऐसी चीज़ है कि ये मीन्स कि मस्ट होता है, और यही आप किसी सुपर मार्केट में लेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, और ये 10 रियाल का आपको अच्छा खासा 10 पीस मिल जाता है। और बच्चे घर में जब बच्चे होते हैं तो वो इतनी रफली यूज़ करते हैं टिशू की आप बता नहीं सकते। तो ये बेसिक चीज़ें अच्छी थी और रिजनेबल प्राइस पर मिल गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि चलिए छोटी छोटी चीज़ें पता चल रही हैं कि कहाँ पे क्या मिलता है, तो आगे भी हम लोग को हेल्प करेंगी। ये गिफ्ट रैपिंग का रोल था, ये भी अभी आप सेंटर पॉइंट या कहीं पे जाके लेंगे तो ये अराउंड 10 रियाल 20 रियाल मिलते हैं, और यहाँ पे मुझे 5 रियाल में मिल गया था। कभी गिफ्ट रैपिंग की ज़रूरत होती है तो फिर रैपर्स आपको मिलते नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा लेकर के स्टोर कर लेती हूँ ताकि इन केस आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपके घर में इसकी ये मौजूद हो। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मिल गई, अच्छी बात है। यहाँ पे जद एक रियाद ग्रुप है लेडीज़ का, उसी से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मीन्स कहाँ क्या मिलता है, और उनसे काफ़ी हेल्प मिल जा रही है, काफ़ी लेडीज़ हेल्प कर रही हैं कि आप इधर से ले लेंगे, कर लें वो कर लें। और क्योंकि नई जगह नया शहर आपको कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर ख़रीदना है, और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी उस दिन, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोग बता नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग ठंड अभी रियाद में पड़ी है, मेरे ख्याल से इतनी ठंड कभी भी नहीं पड़ी। और यजान को आप देखें, ये बाथरूम का ब्रश लिया गया है, उसके लिए ये टॉय बन गया, इनके लिए टॉय नहीं होता है, इस तरह की चीज़ इनकी फेवरेट टॉयज़ होते हैं, इसके साथ तो इनको खेलना ही खेलना है और आप इसको लेना। ये कुछ भी चीज़ें आप निकालें, इनका पैकेट से पहले सामान निकल जाना है, इनको पहले चीज़ें पता रहती है कि क्या लेना है, कैसे उसको प्ले करना है। फिर मैंने सारी चीज़ें जो भी ले के आई थी मैंने सारे निकालना शुरू किया ताकि आप उसको प्रॉपर वे में रख दें, नहीं तो बच्चे इसको पैकेट से निकाल करके आपसे पहले इसको किधर कहीं ना कहीं इधर थ्रो कर देंगे कि आपको बाद में मिलनी भी नहीं है कि आपने कौन सा सामान लाया था, किधर लाया था। गिफ्ट रैपिंग को सबसे पहले मैंने लोग कबर्ड पे ऊपर रख दिया कि बाद में मुझे जब ज़रूरत हो तो मुझे पता हो कि मैंने कहाँ रखा है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। तो फिर ये यजान को मतलब इतनी मस्ती करने लगा है, ये देखिए, और इन लोग का रूम इसका फेवरेट रूम है, इसकी भी सारी मस्ती रहती है कि इधर चढ़ करके इधर, इतना छोटा सा है पर ये क्लाइंब अप करना चाहता है कि नहीं वो जो लैडर लगी हुई है कि उससे मैं क्लाइंब अप कर करके ऊपर से ही जंप कर दूं। इतने छोटे से अभी 1 ईयर के हैं पर इनकी हरकतें जो हैं, अब क्या कहें, इतने शरारती बच्चे, आजकल के सारे ही बच्चे मेरे ख्याल से, पहले के बच्चे इतने शरारती नहीं होते थे जितने आजकल के बच्चे शरारती हो चुके हैं। ये देखें आप किधर ये कहाँ जाएगा जंप करके, अभी ठीक से चलना नहीं आता है और इनकी शरारतें तो पीक पे रहती हैं। फिर मेरा इनको से छोड़ो, फिर अपना सारा काम करो, पहले सब निकाल के सब रखना है मुझे। ये ट्रे मैंने 5 रियाल में ली है जो कि मुझे डाइनिंग पे रखनी पड़ती है, क्योंकि एक जगह पे प्रॉपर पे आपका जग वाटर या पिकल्स हैं कुछ भी है तो एक साइड में वो पड़ा रहता है, तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है, नहीं तो पूरे डाइनिंग में लोग फैला के बच्चे इधर उधर कर देते हैं उसको। और ये परवेज ने एक लैपटॉप का बैग लिया था, वो भी बहुत अच्छा था, 50 रियाल में आपको अच्छे क्वालिटी का अच्छा बैग मिल गया था जो कि बहुत रफली यूज़ परवेज को नहीं करना है। और मैंने ये एक टेबल कवर लिया था और ये बैग लिया था, मुझे बैक पेन कभी कभी मोस्टली रहता है, और वहाँ पे ये 5 रियाल का लकली मिल गया था, वैसे ये अराउंड 20 रियाल बाहर मिलता है और ये बहुत ज़रूरत की चीज़ रहती है, मुझे काफ़ी टाइम बैक पेन रहता है तो इससे बहुत ही आराम मिल जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ बहुत ही आसानी से मिल गई हैं। ये मैंने ड्रेसिंग पे बिछाने के लिए टेबल कवर मिला लिया था जो कि ये भी मुझे 5 रियाल में मिला पर मीटर, तो ये भी अच्छा है, ये मेरी ड्रेसिंग और साइड टेबल पे लग जाएगा। और ये डोर मैट था जो कि 5 रियाल का था, ये भी अच्छी चीज़ थी क्योंकि बाथरूम के सामने आपका डोर मैट बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं चाहिए। और ये नुमान की बर्थडे नेक्स्ट मंथ आ रही है तो उसकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी अच्छी प्राइस पर मुझे मिल गई थी तो वो भी मैंने ले लिया। ट्रैश बैग था वो भी वहाँ पर मिल गया था 5 रियाल का, और ये सोप रखने के लिए मुझे वहाँ पे 250 रियाल का मिला था, तो कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गई थी। अब ये डेकोरेशन का बैनर था, बाहर आप लेंगे तो ये अराउंड 20 रियाल तक का मिलता है। तो ये मेरा हो गया, चलिए बेसिक, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अभी टाइम तो लगेगा ही घर को सेटअप करने में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी लगी रहेंगी।
धीरे धीरे घर जा कर के सेट होता है, सडनली तो सेट नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।